दही वाली कढ़ी तो सबने बनाकर खाए होंगे। एक बार इस मसूर की दाल की कढ़ी बनाकर खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मसूर की दाल को 2 घंटे भिगोने के बाद अच्छे से पीस लेंगे और नमक मिलाकर फेंट कर साइड में रख दीजिए लगभग 10-15 मिनट तक। उसके बाद मिक्सी का जार लीजिए। मसाला बनाने के लिए उसमें मैंने लिया है आधा प्याज। मैं ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने सब कुछ क्वांटिटी थोड़ी कम ली है। और 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और 2 टमाटर। टमाटर इसलिए क्योंकि हम दही दही डाल रहे हैं तो टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ग्रेवी के लिए, तो टमाटर काट लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी सी 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालकर पीस कर साइड में कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना कि पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल फुल्की तलने के लिए, तो हमने जो मसूर की दाल फेंट के रखा था तो उसको फिर एक एक करके तल लेंगे। आप जिस भी साइज़ में इसे फ्राई करना चाहें, मैंने इस तरह से किया है। अगर आप इसे छोटी करना चाहते हैं तो आप छोटी भी कर सकते हैं। तो उलट पलट कर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। देखिए किस तरह से बिल्कुल ब्राउन हो गई है। ज़्यादा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मेरे एक दो कुछ ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, तो हल्का तलने से भी काम चल जाएगा। तो फिर क्या है ना, इसको फिर एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, और उसमें डालेंगे फिर जीरा का फ़ोरन, और उसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, सबको डाल के मिला लेंगे। और जो पिसा हुआ मसाला है ना वो भी डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसमें डाल देंगे फिर नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाले को तब तक भूनना जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे पानी। तो जो हमने फुल्की तली थी ना, और उस कटोरी में ही मैंने पानी डालकर छोड़ दिया था, उसी पानी को मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो हमारा ग्रेवी है वो थोड़ा थिक हो। तो वो पानी को डाल देंगे। उसके बाद पानी को डालने के बाद उसमें इंतज़ार करेंगे उबाल आने का, अच्छे से उबल जाए। जब वो 3 से 4 मिनट तक पक जाए मसाला, तो फिर उसमें क्या है ना, एक एक करके सारी फुल्की को डाल देंगे। डालने के बाद आप धीमी आंच पे इसे लगभग 5 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि पूरा मसाला अंदर तक ऑब्जर्व हो जाए। ढक्कन लगा के 5 मिनट बस छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर सर्व कीजिए गर्मा गर्म चावल के साथ। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए ये कैसा बना था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।